वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, आज हम लोगों को अपना नया टॉपिक शुरू करना है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, यानी कि चैप्टर नंबर 4। यहां से हम लोग जो अपनी यूनिट शुरू कर रहे हैं उसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। आपको याद होगा आज से कुछ दिनों पहले भी मैंने आपको बताया था करंट के टोटल 3 इफेक्ट होते हैं। कितने इफेक्ट होते हैं? जिसमें से मैंने बताया था पहला इफेक्ट जो है उसे हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो वहां पर मैंने बताया था जब भी किसी वायर में करंट फ्लो किया जाता है तो वो वायर गर्म हो जाता है, दिस इफेक्ट ऑफ करंट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। फिर मैंने आपको बताया था कि जैसे ये कोई सेल है, यहां पर मैंने इसके अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट भर दिया हुआ है और ये दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। यहां पर अगर मैं इसके अंदर करंट पास करता हूं तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है वो दो कंपोनेंट में ब्रेक हो जाता था। याद आ रहा है सीन आपको? इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, करंट को पास कर रहे हैं केमिकल्स के अंदर से, राइट? केमिकल के अंदर से जब करंट पास कर रहे हैं तो वो केमिकल दो कंपोनेंट में ब्रेक हो गया, इसको हम लोग बोलते थे केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। हम लोगों ने पढ़ा था व्हेन द करंट इज पास थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट देन दैट इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक्स इनटू द टू कंपोनेंट्स, दिस इफेक्ट ऑफ करंट इज कॉल्ड केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। क्लियर? ये दो बातें मैंने आपको बताई थी। फिर वहीं पर मैंने आपको तीसरी बात भी बताई थी जिसमें मैंने आपको बोला था कि जब भी किसी वायर में करंट फ्लो किया जाता है, जब भी किसी वायर में, जैसे ये कोई वायर है इसमें हम करंट फ्लो कर रहे हैं, तो इस वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता था। क्या पैदा हो जाता था? मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और यही हमारी पूरी यूनिट भी है। इस पूरी यूनिट में हम लोग इसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सीन क्लियर है? तो करंट के 3 इफेक्ट होते हैं, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट किसी ने पूछा तो बता दोगे? जब भी किसी वायर में करंट फ्लो किया जाता है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है, दिस इफेक्ट ऑफ करंट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इस करंट के बारे में साइंटिस्ट ऑरस्टेड ने बताया था। किसने बताया था? ऑरस्टेड। कोई पूछे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट, तो बोलना ऑरस्टेड। क्लियर? ऑरस्टेड ने बोला था जब भी किसी वायर में करंट फ्लो किया जाता है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है, दिस इफेक्ट ऑफ करंट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जो बोल रहा हूं आपको पल्ले पड़ रहा है? अगर यहां तक की कथा आपको समझ में आती है तो गौर से सुनिएगा। जैसे आपने देखा होगा मैग्नेट है, मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। बोले भैया, तो मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो होता तो है पर हमें नजर नहीं आता। आसपास कोई लोहा लंगड़ रख देता हूं तो मैग्नेट इसे अपनी तरफ खींच लेता है, तो इसका मतलब ये जो लोहा लंगड़ है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। सीन क्लियर है? अच्छा, चैप्टर 1 पढ़ चुके हो तो वहां पर भी जानते हो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहां इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज होती हैं। इसी तरीके से जहां पर मैग्नेटिक फील्ड होता है वहां मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज होती हैं। क्लियर? हर वो जगह जहां मैग्नेटिक फील्ड है तो इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि वहां पर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज भी हैं। क्लियर? मैंने अभी अभी आपको जो बोला कि जब भी किसी वायर में करंट फ्लो किया जाता है, जैसे ये वायर है इसमें करंट फ्लो किया जाता है, तो मैंने आपको बोला इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। क्या पैदा हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड। और मैंने ऐसे करके ये मैग्नेटिक फील्ड आपको शो किया। यस और नो? बोलो भैया, ये इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गया। थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग फोकस करेंगे। एक्चुअली ये जैसा है वैसा दिख नहीं रहा और जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। क्लियर? तो ऑरस्टेड ने बोला कि जब भी किसी वायर में करंट फ्लो किया जाता है तो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। क्लियर? जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो यहाँ पर ये जो मैंने डॉटेड डॉटेड बनाया ना, ये कुछ और नहीं है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है तो यहाँ पर क्या होंगी? मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। तो ये मैंने कुछ और नहीं बनाया, ये मैंने मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस बनाई है। क्या बनाई है? ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। तो थोड़ा सा यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ओटी वगैरह टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो इनकी अंडरस्टैंडिंग हमको थोड़ा सा प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है? तो गौर से देखिएगा सब लोग। जैसे ये वायर है, ये पिक्चर जैसे एक्चुअली बोर्ड पर दिख रहा है ना वैसे नहीं है, ये ऐसे है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो पेन आप देख रहे हैं, पेन की नोक मान लो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है ऐसे, राइट? सीन क्लियर है? तो करंट कैसे बह रहा है? ऐसे। और इसके चारों तरफ ये जो मैंने मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस बोर्ड पे तो आपको ऐसे दिखाई दे रही है, लेकिन ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे हैं। आप इसको देखो ना, आप ये फिगर आपको दिखाई दे रहा है? यहाँ पर ब्लैक सर्कल्स आपको नजर आ रहे हैं, समझ पा रहे हैं? ये ऐसे है फिगर। समझ गए? सोच लो, ये कागज का जो प्लेन है
वो इस वायर की लेंथ के कैसा है, परपेंडिकुलर, और ये जो प्लेन है उसी में ही तो ये सर्कल्स बने हुए हैं। ये सर्कल्स क्या है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होती हैं वो वायर की लेंथ के परपेंडिकुलर प्लेन में होती हैं। अच्छा, ये जो सर्कल्स आपको नजर आ रहे हैं इन सभी का सेंटर एक ही है या अलग अलग है? तो इसका मतलब दीज आर द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, सीन क्लियर है? तो कोई भी पूछे, जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो किया जाता है तो उसके चारों तरफ ये जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है तो ये कुछ और नहीं है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है, क्लियर? और ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कुछ और नहीं है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है और वायर की लेंथ के परपेंडिकुलर प्लेन में। इतनी बात समझ में आई, किसी को कोई दिक्कत? अच्छी बात है। अगर आप इतनी बात समझ गए तो मैंने यहां पर एक एरो भी लगाया हुआ है ऐसे करके। इस एरो का मतलब क्या है ये मैं आपको 10 मिनट बाद समझाऊंगा, क्लियर? तो फिलहाल आपको इतनी, ये एरो का मतलब अभी 10 मिनट बाद समझाऊंगा, फिलहाल इतनी कथा समझ में आ गई। फिलहाल हमको ये समझ में आ गया कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट ऑरस्टेड। ऑरस्टेड ने बोला था जब भी किसी वायर में करंट फ्लो किया जाता है तो उस वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। यहां तक का नजारा क्लियर है? पहले आप इतना पढ़ लो और जहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की डेफिनेशन लिखी हुई है वहां पर ऐसा एक छोटा सा डिजाइन बना लेना, क्लियर? डू इट फास्ट। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको क्लियर है। अब ऑरस्टेड ने बोल तो दिया कि किसी भी वायर में करंट फ्लो किया जाता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है, राइट? अब ऑरस्टेड ने जब ये बोला तो लोगों ने उसको बोला, अदर साइंटिस्ट जो थे जलने भूलने वाले, उन्होंने बोला यार प्रूफ करके बताओ ऐसे कैसे मान रहे, तुमने कह दिया और हम मान लें ऐसा नहीं होगा, राइट? इसको प्रूफ करके बताओ। तो ऑरस्टेड ने फिर इसको प्रूफ किया। अब प्रूफ करने से पहले मैं कुछ छोटी छोटी बातें आपको बता रहा हूं जो आपको समझ नहीं है, क्लियर? उसके बाद ऑरस्टेड ने कैसे प्रूव किया वो बताऊंगा, ठीक है? आपने कभी वर्ड सुना है कंपास? सुना है कंपास के अंदर एक मैग्नेटिक निडल होती है, चुंबकीय सुई, यस और नो? और वो मैग्नेटिक निडल जो होती है वो हमेशा कौन सी डायरेक्शन में रुकती है? मैग्नेटिक निडल बोले तो मैग्नेट, और किसी भी मैग्नेट को हवा में आप फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो मैग्नेट हमेशा एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकती है, यस और नो? आप उसे घुमा के यो भी कर दोगे ना तो भी वो घूम फिर के वहीं आ जाएगी, यस और नो? ये बात तो हम सब लोग जानते हैं कि नहीं जानते, क्लियर? अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब आप मुझे एक बात बताओ, जैसे मैंने ये कंपास रखा, क्या रखा? कंपास। कंपास के अंदर मैग्नेटिक निडल है तो निडल ऐसे रुक जाएगी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, बोलो भैया? निडल जहां भी रुकेगी तो इसका मतलब वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुक रही है, यस और नो? सही बोल रहा हूं ना? अच्छा एक बात बताओ, ये मैग्नेट है, ये बचपन में आपने बहुत खेल खेले हैं मैग्नेट से, खेले हैं कि नहीं खेले? ये मैग्नेट है, इसके बगल से मैंने कोई दूसरा मैग्नेट ले आया है, यहाँ पे टच नहीं किया है, यहाँ रखा है, तो आपने देखा होगा ऐसी स्थिति बनती है, कईयों बार तो ये पास आ जाती है, कईयों बार दूर जाती है, यानी इसमें हलचल पैदा हो जाती है, होता है या नहीं होता? अगर किसी मैग्नेट के अंदर हलचल पैदा हो रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके आसपास कोई ना कोई मैग्नेट है। ये ऐसे बोल सकता हूं कि अगर इसके अंदर हलचल पैदा हो रही है तो कहीं ना कहीं इसके चारों तरफ कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड है ना? क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी मैग्नेटिक निडल या मैग्नेट अपनी जगह से हिलडुल रहा है, सामान्य रूप से वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है, लेकिन अगर वो अपनी जगह से हिलडुल रहा है इसका मतलब ये इस बात का प्रमाण है कि वहां पर कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड है। तुम किसी जगह बैठे हो, तुम्हारे बाल लहरा रहे हैं, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं एयर फ्लो हो रही है, हवा है, ये सरनो है नहीं है? इसी तरीके से मैग्नेटिक निडल अगर हिलडुल रही है तो जाको मतलब का है, हाँ मैग्नेटिक फील्ड है कहीं ना कहीं, तभी तो मैग्नेटिक निडल हिलडुल रही है, ये सरनो ठीक है। तो ऑरस्टेड ने बोला कि जब भी किसी वायर में करंट फ्लो किया जाता है तो उस वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। तो साइंटिस्टों ने बोला कि ठीक है आपकी बात को मानते हैं लेकिन आप इसे पहले प्रूव करके बताएं। तो ऑरस्टेड ने कहा ठीक है मैं तुम्हें प्रूव करता हूं। तो ऑरस्टेड ने प्रूव करने के लिए सबसे पहले एक कंपास लिया, क्या लिया? कंपास। और ऐसे उन्होंने कंपास को ऐसे रख दिया, क्या रख दिया बच्चों? कंपास। कंपास के अंदर क्या होती है? मैग्नेटिक निडल। और मैग्नेटिक निडल को आराम से रुकने दिया तो मैग्नेटिक निडल बढ़िया ऐसे आके रुक गई, ये निडल का एक्सेस हो गया, बोलो भैया? ये निडल रुक गई। जैसे ही कंपास में मैग्नेटिक निडल रुकी
उन्होंने इस निडल की जो एक्सेस है उसके पैरेलल एक बढ़िया वीआईपी मेटलिक वायर रख दिया। इस वायर को मैंने नाम दे दिया ए बी। क्या नाम दे दिया? हाँ, ए बी नाम दे दिया। क्या? ए बी नहीं, ए बी, ए बी, ए बी नाम दे दिया वायर का। और वायर के दोनों एंड्स के बीच में उठा के मैंने जोड़ दिया सेल। क्या जोड़ दिया बच्चों? सेल से क्या होगा? फूल बरसेंगे, करंट बहेगा, बहेगा नहीं बहेगा। और ये मैंने लगा दी की, की लगा दी। अभी की ओपन है या क्लोज है? करंट बह रहा कि नहीं बह रहा? करंट नहीं बह रहा। तो और स्टैंड ने कहा देख लो साइंटिस्टों, अलग अलग कंट्री से आए थे साइंटिस्ट तुम्हारी तरह, है ना, और स्टेट एक्सप्लेन कर रहे थे ऐसे, क्लियर। तो और स्टेट ने कहा लला देखो निडिल हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकती है, तो मैंने रुकाए ली आराम से, तार लगाए तो जाके पैरेलल और जम्पे लगाए दी मैंने बैटरी और की, करंट बह रहो नहीं बह रहो? ना बह रहो। तो साइंट और स्टेट ने कहा देख लो अच्छे से देख लो, निडिल हिल रही है का नहीं है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकी है, मैंने कोई करंट नहीं बहाया, कुछ नहीं हो रहा। अब फिर से देखो, अब यही फिगर मैं आप लोगों के लिए दोबारा बना रहा हूं, प्लीज चुप हो जाइए, ऐसे कोई बातें करता है? चुप है। लिसन एवरीवन, यहां तक सीन क्लियर है? अभी भी यही कहानी सेम है। अब और स्टैंड का देख लो साइंटिस्टों, जैसे ही उन्होंने की क्लोज की, और जो भाई साहब इनने की क्लोज करी नहीं कि करंट बहन लगो, करंट अच्छा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट बहता, बहता नहीं बहता? और जैसे ही भाई साहब इनने करंट बहाओ, तो इनने देखो जो निडिल आती ना, निडिल वो अपनी जगह से हिली गई, डिफ्लेक्ट हो गई अपनी जगह से, साइंस की लैंग्वेज में बोलूंगा डिफ्लेक्ट हो गई। क्या हो गई? हाँ, देसी में बोलूं तो निडिल अपनी जगह से चिक गई। क्या है गई? चिक गई, डिस्प्लेस। यस और नो? गॉट माय पॉइंट एवरीवन? है ना, निडिल डिफ्लेक्ट हो गई। क्या हो गई? डिफ्लेक्ट हो गई। तो और जगह देखा, जैसे ही मैंने किसी वायर में करंट लो किया, अब आप बताओ मैग्नेटिक निडिल का डिफ्लेक्ट होना, अपनी जगह से हिलना डुलना किस बात का इंडिकेशन है? हाँ, मैग्नेटिक फील्ड है वहां पर, राइट। तो और स्टेन ने बोला देखा जैसे ही मैंने इस वायर में करंट फ्लो किया तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ, जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक निडिल डिफ्लेक्ट हो गई, डेविएट हो गई थोड़ी सी। समझ रहे हैं मेरी बात को? जो बोला पल्ले पड़ा, पक्का? जैसे पिन ने नौकी तो कईयों साइंटिस्ट तो सीधे सच्चे थे, वो तो बेचारे मान गए, पर कईयों कलेसी होते हैं, यानी एक अचुना ने आवाज चल गई योगी दाते हिल गई योगी ने। तो और सिंह अच्छा आवाज चल गई योगी, और सिंह को बात ना ने। तो क्या था, पहले और स्टेट जो थे ना वो 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहे थे इसमें, अब उन्होंने 10 एम्पियर की बजाय 20 एम्पियर का करंट फ्लो किया। कितने का करंट फ्लो किया? 20 एम्पियर। और जो भाई साहब बिन ने करंट बढ़ाओ नहीं, कि बिन ने देखो कि जो निडिल थी वो नेको ज्यादा डिफ्लेक्ट हो गई। तो और सका देखो, पहले मैंने 10 एम्पियर का करंट फ्लो किया था तो निडिल थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हुई थी, यानी थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ, और जैसे ही मैंने भाई साहब करंट को अमाउंट बढ़ाया था, मैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा पैदा हो गई, मैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गई। तो ठीक है, कुछ लोग माने, कहीं हो फिर बिन्ने गया ये हवा और तेज चल गई होगी। और स्टेन का जो तो यार दिमाग खराब करेंगे मेरे, और कोई बात ना, हवा तेज चल गई होगी कोई बात ना। अब और स्टेन ने कहा करो बैटरी की डायरेक्शन पलट दी, क्या कर दी? हाँ, यानी पॉजिटिव टर्मिनल उन्होंने इधर कर दिया, नेगेटिव टर्मिनल इधर कर दिया, यानी करंट की डायरेक्शन को ही उन्होंने पलट दिया। करंट की डायरेक्शन को उन्होंने जैसे ही पलटा, करंट की डायरेक्शन को उन्होंने जैसे ही पलटा, तो निडिल जो पहले ऐसे डिफ्लेक्ट हो रही थी वो अब अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होने लगी। तो उन्होंने बोला कि देखा जैसे ही मैंने करंट की डायरेक्शन को पलटा, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन थी वो भी पलट गई, और जो निडिल थी वो अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होने लगी। तो कुछ लोग माने, फिर कहीं हो फिर अरे हवा उल्टी बहन लगी होगी, ऐसे ऐसे कमीने थे। तो और उससे कहा एक काम करो, तुम पहले तो अपनी हवा देख लो कितको बह रही है। अब पहला स्टेप उनको लेना था, सबने बता दिया कि हाँ जालंग बह रही है, बालंग बह रही है, सबने अपना अपना तय कर लिया। बोले हवा बह रही है ना? चार चार वीर बिन ने पूछी, किसने किन से पूछा? हाँ कि हवा कितकी लंग बह रही है, सबन ने बताया कि भैया जालंग बह रही है। ठीक है, बोले हवा को बहाए रखना है, बाकी बात और स्टेट ने कहा करो करंट का फ्लो ही बंद कर दिया। और जो भाई साहब इनने करंट को फ्लो बंद कर दो, निडिल वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गई। क्लियर? अब साइंटिस्टों को मानना पड़ा।
यानी ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट से ये कॉन्क्लूजन निकला कि जब भी किसी वायर में करंट फ्लो किया जाता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। करंट का अमाउंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होता जाता है, करंट का अमाउंट कम करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाता है, करंट का फ्लो ही बंद कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड तभी तक रहेगा जब तक कि आप करंट फ्लो कर रहे हो, करंट का फ्लो बंद मैग्नेटिक इफेक्ट खत्म, नहीं आई बात है। अच्छा, करंट की डायरेक्शन को पलटने पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी पलट जाती है, जो बोला पल्ले पड़ा। तो जल्दी से फटाफट आप लोग ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट पढ़ लें, फिर आगे बढ़ूंगा। उम्मीद करता हूं यहां तक सबको क्लियर है। ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट किसी ने पूछा तो बता देंगे, आप मेरी बात ध्यान से सुनो। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, कुछ बातें जो हमें समझनी है, क्या करनी है? हाँ, किसी गाड़ी पे अगर ये सिंबल बना हुआ है तो मुझे बता सकते हैं किसकी गाड़ी है? है डॉक्टर की, है ना? प्लस साइन, समझ गए ना क्या इंडिकेट करता है? पक्का। ऐसे ही यहां पर भी हमें कुछ एक साइंस इंडिकेट करने पड़ते हैं। अब वो साइन कौन सा साइन क्या कहता है ये हमें पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आप एक बात बताओ, बोर्ड पे अगर मुझे ऐसे लाइन खींचनी है, ऐसे तो खींच लोगे? अबे इतने का सोच रही हो, खींच लो का है जे? नहीं खींचेगी। बोर्ड पे अगर मुझे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लाइन खींचनी है तो राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड, आउटवर्ड। आउटवर्ड मतलब कैसे है बताओ? आउटवर्ड कैसे? नहीं यही बात है, आउटवर्ड ऐसे खिंच जाएगी का? नहीं खिंचेगी ना। सिंबल यूज करता हूं, क्या सिंबल यूज करता हूं? मोबाइल जिस किसी का भी बज रहा है ना, वह बंद कर ले, नहीं तो वो खुद ही बजन लगेगा फिर। डॉट, क्या सिंबल यूज करता हूं? डॉट। डॉट का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो मोए बोल लें तो डॉट का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड। अब इस बोर्ड के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ भी हो सकता है, आउटवर्ड भी हो सकता है, या इनवर्ड भी हो सकता है। तो डॉट का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड या परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन आउटवर्ड। क्या? आउटवर्ड। आउटवर्ड यानी क्लियर। और अगर बोर्ड के अंदर लाइन खींचनी है तो खींच पाऊंगा? तो उसके लिए नोटेशन यूज करता हूं क्रॉस। क्लियर। इस पूरे चैप्टर में जगह जगह रोज जैसी मुलाकात हमारी इन क्रॉस और डॉट से होगी। तो जहां पर भी क्रॉस बने हैं इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड है, परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड इनवर्ड। और डॉट का मतलब परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड आउटवर्ड। क्लियर है? क्रॉस और डॉट का मतलब समझ में आया? आपके नोट्सों में देखो, वहीं कहीं नोट होगा जिसमें क्रॉस और डॉट का मतलब लिखा होगा, है ना? मैं तो पहले ही कह रहा हूं, क्लियर। क्रॉस का मतलब क्या हुआ? इनवर्ड। और डॉट का मतलब देख लो बड़ावट, तभी आगे बढ़ूंगा फिर। तो मैं उम्मीद करता हूं क्रॉस और डॉट का मतलब समझ गए। अब मेरी बात ध्यान से सुने। ओरस्टेड पट्टा न्यो के हो कि किसी वायर में करंट फ्लो करते हैं तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। अब हमें उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना सीखनी है। क्या सीखना है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास तीन रूल होते हैं। कितने रूल होते हैं? जिसमें से एक है मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। आपको मालूम है मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल किसने दिया? कमीनो मैक्सवेल नहीं दिया, क्लियर। इसीलिए तो मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल बोल रहे हैं, क्लियर। दूसरा है एम्पियर स्विमिंग रूल। एम्पियर स्विमिंग रूल एम्पियर ने दिया, क्लियर। और तीसरा होता है राइट एंड पाम रूल। ये तीन रूल हैं जिनकी हेल्प से हम लोग किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना सीखेंगे। तीनों सफिशियंट है डायरेक्शन निकालने के लिए, है ना? तीन रूल से निकाली जा सकती है। पर एग्जाम में रूल वगैरह नहीं पूछता, लेकिन इसके बिना कोई काम होगा नहीं, समझ पा रहे? तो यहां पर हम लोग राइट एंड पाम रूल सीखेंगे। राइट एंड पाम रूल क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए, क्लियर। तो इससे पहले कि मैं राइट एंड पाम रूल आपको सिखाऊं, आप मुझे एक बात बताओ, ये क्या है? मेरा हाथ है, ये मेरे हाथ की उंगलियां है, ये मेरे हाथ का अंगूठा है, क्लियर। मैंने उंगलियां और अंगूठा,
दोनों को स्ट्रेच किया है और इस प्रकार स्ट्रेच किया है कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं. क्या है? परपेंडिकुलर है. इफ वी स्ट्रेच अवर राइट हैंड इन सच अ वे दैट द थंब एंड फिंगर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. क्लियर है? समझ गए? क्लियर. मैं ज्यादा रामायण बोलूंगा तो आपके दिमाग में हौच-पौच होगी. मैं बिल्कुल कम बोलूंगा, बस अप्लाई करना आना चाहिए हमें. ठीक है, बिल्कुल कम बोलूंगा तो आप तो करंट और पॉइंट, बस इतना याद रखो. हाथ ऐसे ही फैला और राइट हैंड है, राइट हैंड खोल लो सब लोग अपना अपना. जो एक्टिविटी करवाऊं करनी है और एक दूसरे का देख के हाथ नहीं बनाना है. ठीक है, क्लियर. तो लल्ला राइट हैंड, सब लोग अपना राइट हैंड यूज करेंगे. लेफ्टी वाले स्पेशली ध्यान से सुन ले, राइट हैंड यूज करेंगे. क्लियर? ओके. ये कौन है? अंगूठा नहीं, करंट. करंट ये तो जी नहीं है, आंखन में कुछ देंगे हवल. क्लियर? क्या है ये? करंट. और ये कौन है? पॉइंट. अब मेरी बात ध्यान से सुने. जैसे हेलो प्लीज, मैंने बोला ना 15 मिनट मुझे दे दो अपनी जिंदगी में से, तो दे दो. ओके, ये वायर है, सुनने होगा, सुनने होगा. ये वायर है, इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है. अब मुझे मालूम है करंट फ्लो है तो चारों लंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा. अब पट्टन ने मुझे यूं कहा ये कि लल्ला जी वायर में जो करंट फ्लो एरो है तो जाके कारण जा पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी होगी. दिस इज माय क्वेश्चन. क्लियर? इज टेलिंग यू इफ द करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन देन व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट पी. गॉट द क्वेश्चन एवरीवन? पट्टन मुझे कह रहा है कि जब किसी वायर में करंट फ्लो किया जा रहा है, ऐसे करंट फ्लो किया जा रहा है, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी. तो भैया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग रूल लगाएंगे. क्या लगाएंगे? रूल. क्लियर है? तैयार है? हम लोग मुट्ठी बांध लो पहले तो. अच्छा, हाथ फैलेगा ऐसे ही, ध्यान रखना है ना. मुट्ठी बांध लो. अब सब लोग अपने अंगूठे को कुछ इस प्रकार खोलो खोलो कि अंगूठा करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे. तालंग करंट जा रहा हो, पहले अंगूठा जाती आओ. सब लोग खोलो अपने अंगूठा है, केवल अंगूठा खोलो, अंगूठा खोलो. क्लियर? तिनको अंगूठा न्यो जा रहे हो तो करंट न्यो जा रहे हो भैया, करंट तो जा में न्यो जा रहे हो ना. तो अंगूठा को ऐसे खोलो कि वो करंट की ओर आ जाए. जी है को? बोले भैया समझ गए? ये करंट था ना. इधर उंगलियां क्या थी? अब हमें अपनी उंगलियां कुछ इस प्रकार खोलनी है कि उंगलियां उस पॉइंट की तरफ इशारा करें जहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है. खोलनी सबने? अब देखो, मैंने अंगूठा तो ये खोल दिया, अब मैंने उंगली खोली तो क्या मेरी उंगली पॉइंट की तरफ इशारा कर रही है? ये तो तुम्हारी तरफ इशारा कर रही है. अब सही है मेरा हाथ? अभी तो मेरे हाथ को देखो, बस करंट ऊपर जा रहा है, करंट तो सही है, लेकिन पॉइंट जालंग इंडिकेट कर रहा है जबकि जा में जालंग है. तो सही है मेरा हाथ? अब हाँ, समझ गए? अंगूठा करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिंगर उस पॉइंट की तरफ रिप्रेजेंट कर रही है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है. तो ऐसी सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है That is perpendicular to the open palm. ये मेरी open palm है. Open palm के perpendicular, पहले तो बताओ open palm के perpendicular कैसे होगा? क्यों? जहाँ मैं open, आप बताओ मेरी open palm के perpendicular कैसे हो? मेरे हिसाब से बताओ अभी तो. ऐसे, इसमें, ऐसे, इसमें. समझ गए ना open palm के perpendicular क्या होता है? अब फिर से सुनो. Right hand, दोबारा बता रहा हूँ. Right hand palm rule हमसे ये कहता है कि thumb indicate the direction of current. फिंगर इंडिकेट द पॉइंट वेयर वी वॉन्ट टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो ये फिंगर हो गई, करंट हो गया, पॉइंट हो गया. तो ऐसी सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो ओपन पाम के परपेंडिकुलर होती है. मेरी ओपन पाम ये है, इधर की तरफ वाला हिस्सा है, तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे आएगा. तो ये दिशा कहाँ की तरफ जा रही है, डायरेक्शन कहाँ की तरफ जा रही है? बोर्ड के अंदर जा रही है. बोर्ड के अंदर लाइन तो खींच नहीं सकता हूँ. क्रॉस नहीं आई पास में, समझ में ही नहीं आई. मैंने समझ में ही नहीं आई, काकरा भी चिपटे हैं पक्का. अल्लो नहीं अल्लो ये अल्ले अहियां देखियो करियो कौन सा गरम हो पे थे जे करंट बह रहा हो, करंट बह रहा हो. जीरो पॉइंट. हाथ बनाओ, हाथ बनाओ. और प्लीज एक दूसरे का देख के हाथ मत बनाना, है ना. तो मैं भगवान का वास्ता, वरना नहीं दिखेगा कोई रास्ता. हाथ बनाओ. करंट ऐसे जा रहा है, पॉइंट ये रहा. सबका बन गया? समझ गए? करंट ऐसे जा रहा है, पॉइंट ये रहा. डायरेक्शन कहाँ होगी?
हाँ परपेंडिकुलर टू द पाम, ऐसे। अब ऐसे बोर्ड पे लाइन तो नहीं खींच पाऊंगा, किरास या डाट, डाट 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 नहीं यही बात समझे, कहे डायरेक्शन निकालना सीख गए। कितने लोगों को लगता है कि हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं, चुन चुन के पूछूंगा, फोड़ूंगा कसम गंगा मैया की, सिंगल सिंगल से हाथ बनवाऊंगा, सिंगल सिंगल से। वो हाथ ऐसे नहीं किया करो, ऐसे, गुड। हाँ देखे कौन सा हाथ बनावे मुंह पे थे, ले जे ले, ले करंट जे ले, पॉइंट जे ले, ले संज्ञाना बन जाए तो गारंटी है भैया। राइट हैंड है, राइट हैंड है लल्ला दीक्षित, राइट हैंड है लल्ला, लगा ले भाई। सब मौ देख रहे हो हाथ में, क्लियर, करंट पॉइंट बताओ, है आउट, क्रास डाट डाट नहीं आई, चलो भाई क्लियर है, कर लो नहीं कर लो, ये तुम्हारे हाथ में लकवा परवाया तुम, ले 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 जाए बनाइयो, जाए बनाइयो, नहीं तुम्हारे हाथ में ने गुलम पर घुमाए दो, बोल बेबी बोल बताओ किरास या डॉट, है डॉट, डॉट इज द राइट आंसर। हाथ घूम नहीं रहोगे कहीं ना कहीं, लल्ला चलो करंट ठीक, यस और नो, अब फिंगर में कौन सी लंग लेनी है, जालंग, ओ राम जी, क्लियर, यस और नो, समझ गए, करंट ऐसे जा रही है, पॉइंट इधर आ रही है, तो डायरेक्शन ये बता रही है, किरास या डॉट, समझ गए, लासट लासट लासट, ठीक है, चाय बना दो मैं तुम्हें मान जाऊंगा। पूरा हाथ उल्टिया खाएगा वो, है उल्टा नहीं सीधा हाथ, राइट हैंड रूल है, राइट हैंड रूल है, राइट हैंड रूल है, राइट हैंड रूल है, हाँ सही है सही है, आई गो क्लियर, सबका यही है, लिसन 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 लिसन, ए अरे ओ सांबा, करंट इधर जा रही है, पॉइंट नीचे आ रही है, तो डायरेक्शन बता रही है, क्रॉस डॉट। कितने लोगों को लगता है कि हम सीख गए, हम सीख गए, हम सीख गए, तुम सीख गए, कल फोड़ूंगा, कल फोड़ूंगा, कल फोड़ूंगा, इधर इधर इधर, मैंने आपको वादा किया था 10 मिनट बाद कुछ बताऊंगा, समय आ गया है, आ इधर फिर प्रैक्टिस करेंगे, घबराए नहीं आप, डर के आगे यही हमारा, हाँ गब्बांगो गीत गब्बांगो, तुम्हें आवाज लो, अब 2 मिनट के लिए रुक जाओ और इधर ध्यान से देखो ऑन द बोर्ड सब लोग, बेटा लिसन एवरीवन, अब जरा मुझे बता दो एक बार, लास्ट बता दो, दो बार, ये करंट है, बताओ इस पॉइंट पे डायरेक्शन किधर है, हाथ बनाओ फटाफट जल्दी से भैया, उल्टे सीधे हाथ मत बनाओ बानो जी, इधर देखो जरा अच्छे से, हाँ हाँ, करंट जीरो पॉइंट जीरो, किरास डॉट, समझ गए, ऐसा नहीं लग रहा माइंडेड है, हेलो माइंडेड, ऐसा नहीं लग रहा यहां से कुछ अंदर जा रहा हूं, अब फिर से देखो करंट इधर है, चलो बताओ पॉइंट, हाथ बनाओ हाथ आउटवर्ड, समझ में आया, करंट ये रहा पॉइंट ये रहा आउटवर्ड डॉट, सब लोग प्लीज 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 ध्यान से सुनना प्लीज, हमको ऐसा लग रहा है कि यहां से कुछ अंदर जा रहा है और ये जो वायर है इस वायर से घूम कर बाहर आ रहा है, यस और नो, समझ गए, ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ही तो बताई है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, तो यहां से ये जो वायर है तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस यहां से ऐसे अंदर जा रही है और यहां से घूमते हुए पीछे से वापस आ रही है, तो बताओ मुझे ये एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है, हैं हाँ एंटी क्लॉक, क्योंकि यूं जा रही है, नहीं है मेरी बात समझ, समझ में नहीं आई जी, मैंने एरो क्यों बनाए हैं, अब तंत्र पढ़ रहा है, गल्ले हुए नहीं गल्ले हुए, देखो वहीं कहीं रूल्स होंगे, रूल्स टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिला पेज नंबर,
रूल्स भी मिलेंगे और क्रॉस डॉट भी, क्रॉस डॉट तो पढ़ लिए ना आपने, रूल्स मिले कहीं? बे रूल ही देखते रह गए। पेज नंबर टू पे ही है, लास्ट में मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल, एम्पियर स्विमिंग रूल, राइट हैंड पाम रूल मिला, उसमें से राइट हैंड पाम रूल पढ़ लो, पढ़ूंगा ठीक है, इतना अच्छे से पढ़ के आइएगा ठीक है। आज के लिए पर्याप्त है, फिर मिलते हैं, जय हिंद।